गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, योर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। टुडेज अवर टॉपिक इज टाइटल एंड गिफ्ट। जो 6 टॉपिक आपका, उसका एक पार्ट दिया गया है जिसके अंदर टाइटल्स और गिफ्ट्स बताए गए हैं। यानी ऐसी कौन सी पदवियाँ थी जो मुगल एम्पायर के टाइम, जहाँ कि वो इंपीरियर बनते थे, उनको दी जाती थी। जैसे कि शहनशाह, इस तरह की उपाधियाँ हैं, मीर है, तो इस तरह की उपाधियाँ क्या है, मुगल एम्पायर के अंदर भी दी जाती। उन टाइटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब भी किसी को मतलब नया इंपीरियर, नया शासक बनाया जाता था, मतलब पहले वाले की डेथ हो जाने के बाद, या किसी रीजन से नया बनता था, या फिर क्या कोई ऐसी अचीवमेंट प्राप्त करता था, जैसे कि कोई वॉर वगैरह किया या किसी दूसरे पर अटैक करके जीत करके आया है, तो उस समय क्या है, उसको एक तरह का टाइटल्स भी प्रोवाइड किया जाता। और ये टाइटल जो होता था, बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं दिया जाता, बिल्कुल एक ओकेशन की तरह से बना करके दिया जाता था। इसके लिए कि अनाउंस किया जाता था, जिसके मतलब वहाँ उनकी लैंग्वेज में नकाब बोलते हैं, नकाब के द्वारा क्या इसको अनाउंस किया जाता था। वो जगह जगह अनाउंस करता था कि इस डे को क्या है, सेलिब्रेशन किया जाएगा, और उनको क्या है, किसी ना किसी कोई ना कोई मतलब एक अचीवमेंट के कारण टाइटल्स प्रोवाइड किया गया। तो इसके लिए क्या है, लोग एक तरह से मतलब काफ़ी इसके लिए उत्साहित वगैरह भी होते थे। तो टाइटल्स वगैरह है, इनका क्या है, काफ़ी रोल माना जाता है। तो 3 मार्क्स के अंदर टाइटल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो आ जाए उसके अंदर टाइटल्स वगैरह के बारे में, या ये कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर की फीचर्स वगैरह अगर पूछी जाएँ उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या था, उसमें भी टाइटल्स के आप राइट कर सकते हो। तो टाइटल्स का टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है। तो ये टाइटल्स इस तरह से प्रोवाइड किए जाते थे। सबसे पहला क्या है, मिनिस्टर्स वगैरह के टाइटल का एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, कि पैगंबर के जो उस समय इंपीरियर हुए थे कभी सुलेमान, यानी वहाँ के जो शासक हुए थे, उनके द्वारा ये टाइटल स्टार्ट किया गया। ये मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा टाइटल माना जाता है, जिसको बोला जाता है टाइटल असफ खां, यानी असफ खां बोला जाता है, जो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता था, या जिसको जिस मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी जाती थी मिलिट्री वगैरह के ऊपर, तो उनको क्या है नाम दिया गया था, असफ खां की क्या है टाइटल्स दिया जाता था। तो ये टाइटल्स उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, और बाद में काफ़ी लंबे समय तक ये कह सकते हैं कि ये टाइटल्स वहाँ उन मिनिस्टर्स को क्या है प्रोवाइड किया जाता रहा। इसके अलावा क्या सेकंड दे रखा है, औरंगजेब के द्वारा स्टार्ट किया गया। औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा नाम का एक टाइटल स्टार्ट किया था, मिर्ज़ा राजा। उन्होंने क्या है, अपने ही पार्ट के 2 मिनिस्टर थे, एक जय सिंह और दूसरा है जसवंत सिंह। जय सिंह और जसवंत सिंह, इन 2 को क्या है मिर्ज़ा राजा की क्या प्राप्ति की थी, ये टाइटल्स दिए थे, उनको प्रोवाइड किए थे। तो उसके बाद से क्या है, उन्होंने अपने नेम के आगे, जैसे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, पूरा नेम के आगे इस तरह से टाइटल्स को क्या है सेलिब्रेट किया जाता। ये सिस्टम क्या है, मुगल्स ने स्टार्ट किया था, और अंग्रेजी टाइम पीरियड के अंदर भी क्या है, इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय तक चला। और 26 जून 1950 के बाद में इंडिया के अंदर टाइटल्स वगैरह को बैन भी किया गया। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ है। तो ये औरंगजेब के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। अब ये टाइटल्स इस तरह से क्या है, टाइटल्स दिए जाते थे। ये टाइटल्स या तो क्या है किसी ना किसी अचीवमेंट के बदले दिए जाते थे, लेकिन इस तरह के भी एग्जांपल मिलते हैं कि ये टाइटल्स क्या होते थे, पेड भी होते थे। यानी कई कुछ जगह ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि जो टाइटल्स दिए जाते थे वो पैसे देकर भी लिए जा सकते थे, यानी कि कुछ ना कुछ उनको क्या है गिफ्ट वगैरह दे करके, तो इस तरह के टाइटल्स दिए जाते थे। तो ये टाइटल्स अमीर खां का दे रखा है, उन्होंने अपने नेम के आगे ए लगवाने के लिए, यानी नेम उनका मान लीजिए मीर है, तो अमीर खां बजाय, ए जो वर्ड है वो अल्लाह का एक तरह से डो मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने वर्ड के आगे ए लगाने के लिए सिर्फ औरंगजेब को उस टाइम क्या है ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीज की मतलब पेशकश की थी, यानी इतने रुपए उनको दिए थे ताकि उनके नाम के आगे ये टाइटल लग सके। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो टाइटल्स थे वो सिर्फ अचीवमेंट के लिए नहीं थे, पेड टाइटल्स भी उस टाइम क्या है मिलते थे। तो ये इस तरह से क्या है टाइटल्स का था। तो दोनों तरह के टाइटल्स थे, और एक तरह के क्या अचीवमेंट वगैरह से प्राप्त होते थे, किसी ना किसी थे वो अटैक वगैरह के ऊपर, या कोई नया किंग वगैरह बनता था, या कोई नई एक तरह से एरिया को जीत करके आता था तो मिलते थे। और दूसरे प्रकार के जो टाइटल्स होते थे, पेड टाइटल्स भी वहाँ पर होते थे। अब यही सिर्फ टाइटल्स नहीं थे, यहाँ तक तो आगे टाइटल्स का, अब हम गिफ्ट का भी करेंगे। जो गिफ्ट है, तो अब ये गिफ्ट काफ़ी टाइप के होते हैं। राजा की तरफ से क्या है, एक गिफ्ट का जिक्र किया गया है जिसको बोलते हैं खिल्लत, खिल्लत बोले जाता है, इसको जामा भी कहा जा सकता है। खिल्लत क्या होता था, एक तरह से क्या है, उस टाइम का जो इंपीरियर वगैरह होता, जैसे अकबर है, तो अकबर मान लीजिए वहाँ उस समय क्या है, वहाँ के उस पूरे के पूरे सल्तनत के इंपीरियर थे, राजा थे, तो उनके द्वारा कोई पहना हुआ, कभी ना कभी पहना हुआ कोई कपड़ा होता था, तो उसको क्या है मतलब
एक गिफ्ट के रूप में क्या है प्रोवाइड करना और उसको अचीव करना, यानी उसको प्राप्त करना, उस किसको खिल्लत को कपड़े हो, वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी किसी भी मिनिस्टर के लिए, या कोई भी उनका नौकर वगैरह होता, सर्वेंट वगैरह होता है, या कोई दूसरा होता था उनके लिए। तो ये एक बहुत ही काफ़ी अच्छा गिफ्ट माना जाता था राजा की तरफ से। अगर उसको इस तरह का कोई गिफ्ट मिल जाता था तो उसकी जो पदवी होती थी वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऑफिस जो उसका बढ़ जाता था, ऊपर की तरफ हो जाता था। इसके अलावा दूसरा जिक्र सरफा का मिलता है। सरफा के अंदर भी इसी तरह के क्या है, जो किंग्स वगैरह के द्वारा यूज़ किए गए कपड़े वगैरह होते थे वो इसके अंदर आते हैं। इसमें तीन तरह के क्लोथ्स का जिक्र आता है, कपड़ों का जिक्र आता है। एक है ट्यूनिक्स का, जिसको जामा भी बोल सकते हैं, दूसरा टर्बन, टर्बन का आपको पता है पगड़ी, और थर्ड है एसर्स, यानी जिसको पटका भी बोला जाता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है डोनेशन, एक तरह से डोनेशन नहीं, गिफ्ट के रूप में हम कहेंगे कि गिफ्ट के रूप में क्या है प्रोवाइड किए जाते थे ये मिनिस्टर को भी, सर्वेंट को भी, जो भी उनके मतलब साथ रहते थे, कोई बड़ी अचीवमेंट करते थे तो उनको क्या है इस तरह के गिफ्ट्स क्या है दिए जा सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं था, अगर क्या है कोई मतलब अच्छी न्यूज़ वगैरह लेकर के आता या कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करता था तो उनको क्या है मतलब प्रीशियस गिफ्ट भी मिलते थे, काफ़ी कीमती वाले मिलते थे। एक लोटस का जो एग्जांपल दे रखा आपकी बुक में, मतलब उसकी एक माला वगैरह होती जिसके अंदर काफ़ी ये कह सकते हैं कि कॉस्टली गोल्ड वगैरह ज्वेलरी वगैरह जड़ी होती थी, तो वो क्या है उसको कहा गया पद्म मूर्सा का नाम दिया गया। तो पद्म मूर्सा जैसे गिफ्ट भी मिलते थे जो काफ़ी कीमती भी होते उस टाइम, लेकिन ये सभी को तो नहीं मिलता था, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो बिग अचीवमेंट प्राप्त कर रहे थे उस टाइम के अंदर। तो आप क्या है ये टाइटल्स में लिखते हुए दो तीन, और गिफ्ट के अंदर क्या है सिंपल गिफ्ट, और ये क्या है जो पहनावे क्या था, जामा है, सरफा है, और दूसरा क्या है पद्म मूर्सा का है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ये तो गिफ्ट थे, अब ये गिफ्ट तो राजा के द्वारा प्रोवाइड किए गए। अब कुछ गिफ्ट ऐसे भी हैं जो राजा को दिए जाते थे, किंग को दिए जाते थे, किसकी तरफ से, आने वालों की तरफ से, चाहे कोई सिंपल कॉमन आदमी आए, कोई मिनिस्टर मिलने के लिए आए, या कोई दूसरे का एनवो वगैरह, या कोई दूसरे एम्पायर का किंग वगैरह मिलने के लिए। तो जो भी मिलने आता था, दो तरह की क्या है गिफ्ट राजा के लिए होती थी। एक तो नज़र, नज़र के अंदर क्या है, नज़र के अंदर छोटा मोटा कोई एक तरह से ये कह सकते हैं कि धनराशि होती थी, या छोटा मोटा कोई गिफ्ट होता था, पैसे वगैरह होते थे जिसके अंदर जो भेंट किए जाते थे, जो ज़्यादातर कॉमन पीपल या साधारण व्यापारी ट्रेडर्स वगैरह लेकर के आते, छोटे मोटे ट्रेडर्स। दूसरी होती थी पेशकश, ये एक बड़ा गिफ्ट होता था। पेशकश जो होते थे वो या तो क्या है दूसरा मतलब कोई छोटा राज्य है साथ में, और वो क्या है ये चाहें कि हमारे रिलेशन इसके साथ अच्छे हो, तो वो उनके कोर्ट में जब आता था तो वो इस तरह की पेशकश के लिए लेकर के आता, या कोई बिग क्या है ट्रेडर्स हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, तो वो भी क्या है किंग के लिए इस तरह की पेशकश लेकर के आता था। तो इसमें काफ़ी बड़ा गिफ्ट एक तरह से होता था। तो इस तरह से ये जो दो गिफ्ट है, नज़र और पेशकश, ये क्या है दूसरे लोगों के द्वारा किसको प्रोवाइड किए जाते थे, राजा को प्रोवाइड किए जाते थे। नेक्स्ट है, तो इस तरह से क्या है राजा के सामने जब भी कोई आता था तो इस तरह के गिफ्ट लेकर के आना जरूरी। खाली आता अगर कोई आता तो उसको मतलब एक तरह से अशुभ भी माना जाता, ये भी कह सकते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता था। तो एक एग्जांपल दे रखा है, थॉमस रो एक ब्रिटिशियर ऑफिसर थे, जब वो क्या कोर्ट में आए, किसके कोर्ट में, असफ खान के कोर्ट में आए, तो कहा जाता है उन्होंने असफ खान को क्या एक अंगूठी भेंट की थी, एक रिंग भेंट की थी, और एक छोटी सी रिंग थी, नॉर्मल सी सिंपल सी रिंग, जिसकी उस समय कॉस्ट मानी गई थी 400 रुपीज़ के आसपास मानी गई उस टाइम पीरियड में, एक राजा के लिए क्या है बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि स्मॉल गिफ्ट था, एक छोटा सा गिफ्ट था। तो उसको क्या है किंग के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है, किसके, थॉमस रो को लौटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो किंग्स वगैरह होते थे वो स्टेटस के अकॉर्डिंग इस तरह के गिफ्ट मतलब लेना अच्छा नहीं मानते थे। तो थॉमस रो को भी बुरा लगा था जब उनकी वो क्या है रिंग वापस लौटा दी गई थी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि टाइटल्स और गिफ्ट क्या है मुगल एम्पायर के अंदर क्या है प्रोवाइड किए जाते थे, जिसमें मेनली टाइटल असफ खां का है, मिर्ज़ा राजा का है, या क्या है ये पेड टाइटल्स वगैरह भी है। इसके अलावा गिफ्ट के अंदर जामा का है, सरफा का है, या कोई दूसरे पद्म मूर्सा, इस तरह के टाइटल्स क्या है प्रोवाइड किए जाते। तो ये टाइटल एंड गिफ्ट का आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।